होगा तो तीन चार आयोडीन नहीं था, ब्लेड और धागा तक भी नहीं था। वो सब था लेकिन बरसात में उसने जंगा गया तो सो नहीं दे सकते हैं सर। अरे जंगा गया तो दुकान आओ है ना जी, नया ला के रखेंगे ना। समस्या तो फिर ला देंगे, अभी तुरंत ला देंगे। हरा चारा अगर आप लगाते हैं तो होने वाले बहुत अननेसेसरी खर्चों से आप बचेंगे, क्योंकि बकरी पालन एक दिन का व्यवसाय नहीं है दोस्त, ये बहुत लंबा चलने वाला है। कोई भी बकरी से तभी आप कमा पाएंगे जब दो साल इसमें टाइम देना पड़ता है, क्योंकि जब तक सेकंड लीग नहीं आ जाए, यानी जो बकरी आप लाए हैं उसकी बच्ची जन्म ले ले और वो युवा होकर बच्चे न देने लगे, जब तक आपका बेनिफिट दिखाई नहीं देता, तो इसमें लंबा समय टिकना है तो खर्च तो कम होना चाहिए। तो हरा चारा आपने लगाया है? जी हाँ, हरा चारा मैं 10 कट्ठा लगाया हूँ। क्या क्या है हरे चारे में? अभी के मौसम में सुडान 10 कट्ठा लगा दिए हैं, चल रहा वही देवर खिला रहे हैं। सुडान का मतलब हुआ जिनोरा चरी, जिसे जिनोरा चरी जिनरा हम लोग डाट भी बोलते हैं घर से, लंबा लंबा डाट वो बोलते हैं। जी जी हाँ, हाँ डाट बोलते हैं, सुडान बोलते हैं, एमपी चरिया बोलते हैं। तो 10 कट्ठा लगा दिए हैं, अभी दोनों टाइम वही खिलाते हैं, सवेरे शाम काट के लाते हैं, अब उसको कल लोग के दोनों टाइम देते हैं। ये फीड कॉस्ट ये खिलाने से तो आपका बहुत अंतर, ये खिलाने से उसके बाद कुछ नहीं देते हैं, बाकी 90% खर्च को रोके हुए हैं। जी हाँ जी हाँ, रुक जाता है। जैसे आप तो ये तो सर महीना साल में, सर साल में अगर अब 8 महीना भी कम से कम हरा चारा देना चाहिए, कम से कम 8 महीना साल में देना है, क्योंकि हरा चारा दीजिएगा तो बकरी का जो फुर्तीला है, चमक है, लाइट है, सब आता रहेगा। ये देखिए किसानों के लिए है, मैं तो हरा चारा दे ही रहा हूँ, तो ये किसानों के लिए संदेश है कि आप हरा चारा बिल्कुल, अगर संसाधन हो तो ही बकरी पालन करें, हरा चारा बिल्कुल होना चाहिए। और जैसा कि इन्होंने डांट बोला, जिसे चरी बोलते हैं लोग, जिनोरा बोलते हैं, सुडान बोलते हैं, ये तो सीजनेली है, ठंड में फिर बरसीम आ जाएगा सीजनेली घास। लेकिन अगर आप चाहें, अगर आपके पास है साधन जमीन है, तो सुपर नेपियर, नेपियर का बहुत सारे वैरायटी हैं, कोई भी आप ज़रूर लगाएं। ये बहुवर्षीय चारा है, ये आपको 12 महीना चलेगा। अगर एक खेत में आप कहीं लगाते हैं नेपियर को, तो एक खेत में कम से कम 5 से 7 साल उसका कटिंग आप कर सकते हैं, और उसमें बहुत सारे तत्व हैं जो बकरियों को मिल जाएगा। और साथ ही आपको कभी हरे चारा की उपलब्धता की कमी नहीं होगी, हरे चारे का कभी कमी एहसास होगा नहीं। तो मैं भी आपसे कहूँगा अनुज जी कि आप भी अगर खेत हो तो नेपियर भी लगा लें साथ ही। जी हाँ सर, नेपियर तो डाट कटेगा, नेपियर कटेगा, उसके बाद नेपियर 5 कट्ठा लगा देंगे। नेपियर लगा लें और साइड से कुछ और खेत है तो उसमें सीजनली घास लगाते चले जाएं, तो ये सभी चीज़ों को करें। सबसे बड़ा बहुत बड़ा गलती इन्होंने ये किया कि वैक्सीन नहीं लगाया, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप ये गलती ना करें। गुरु का काम है पढ़ाना, ईमानदारी से पढ़ाते हैं लोग को, लेकिन पढ़ के जाने के बाद वो चीज़ें आपके हाथ में होता नहीं है कि आप उनको कंट्रोल कर पाएँ, मर्जी आपका होता है, आप आज़ाद होते हैं, आप उन चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं। और अगर अप्रिय घटना कोई घट जाता है तो बाद में गुरु का भी बहुत लोग बदनाम करते हैं, जबकि गुरु तो अपना मेहनत सबके लिए किया। तो अब बताइए कि मैं यहाँ आया, हालांकि मुझे पता था, बात हुआ था कि ईटी का टीका आपने नहीं लगाया है, तो ये बोले थे कि नहीं, लेकिन मैं दोबारा इनसे पूछा, क्योंकि वीडियो में आपको भी दिखाना था कि ये गलती इन्होंने किया है, जो गलती आपको नहीं करने हैं। अब ये बहाना अगर ये आप करते हैं कोई भी किसान की, मुझे वैक्सीन नहीं मिल रहा है, भाई मेरे ढूंढने पर तो क्या नहीं मिलता, आपके एरिया में नहीं मिलता, जहाँ मिलता है वहाँ से भी आप ला सकते हैं, क्योंकि कोई अगर आवश्यक चीज़ बहुत दूर भी होता है तो आप वहाँ से जाके लाते हैं, तो वैक्सीन आपको लाके वैक्सीन को लगाने चाहिए। तो अभी जो आपको बाड़े में बकरियों को जो आप रखे हुए हैं, कितना संख्या है बकरियों का? बकरी का संख्या अभी सर 8 गो बर्बरी है, 10 गो ब्लैक बंगाल है, 8 गो बर्बरी है, 8 गो ब्लैक बंगाल है, 1 गो ब्रीडर है, बाकी सब बच्चे हैं इनके। इतने इनके पास बकरियों का संख्या है। एक मैं और बता दूं, जो इन्होंने गलती किया है जो आपको नहीं करना चाहिए, और मैं इनसे पूछूंगा ये क्या क्या होना चाहिए, तो बिल्कुल तोते की तरह ही बता देंगे सब, इनको याद है, इन्होंने ट्रेनिंग में लिया है, लेकिन वो माने किए नहीं, थोड़ा सा गलती इनसे हुआ है कि आज इनकी एक बकरी बच्चा दी जो मैं बाड़े में था, आया उसी समय बकरी बच्चा दी है। तो बच्चा, जब बकरी बच्चा देती है तो चूंकि बाड़ा आपका घनत्व, बाड़े में जैसे जैसे घनत्व बढ़ता है तो बाड़ा का जमीन दूषित हो जाता है, चाहे आप जितना सफाई रखें, है ना अनुज जी? जी हाँ, तो बिल्कुल पेशाब करती है, लेटरिन करती है, पेशाब का जो गैस निकलता है उससे तो हो ही नहीं, दूषित रहती है, हो जाता है जमीन। अब बाहर में जो चराए वाली बकरियाँ हैं खुले में चरती है, बहुत ज़्यादा स्पेस उनको होता है, सोशल डिस्टेंसिंग में वो रहती हैं, लेकिन बाड़े में आप कितना भी अगर बड़ा बाड़ा बनाए हैं तो बकरियों का संख्या बढ़ेगा तो उतना एरिया में ही पेशाब करेगी, मैगनी करेगी, जमीन दूषित हो जाता है। तो जब बच्चे जन्म लेते हैं तो हमें कुछ सावधानी बरतनी चाहिए, यदि आप सावधानी नहीं बरतते हैं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, बच्चे टेटनस से मर सकते हैं, नाभि इन्फेक्शन से मर सकते हैं। तो डिलीवरी के दौरान जब बच्चा जन्म लेता है तो टिंचर आयोडीन की आवश्यकता पड़ता है, ब्लेड की आवश्यकता पड़ता है, धागा की आवश्यकता पड़ता है, थोड़ा सा गुड़ की आवश्यकता पड़ता है, इन सभी चीजों की आवश्यकता पड़ता है। खास करके टिंचर आयोडीन तो बिल्कुल चाहिए, तो ताकि बच्चा का जैसे ही नाल टूटे
या हम बांध के काटते हैं नाल को, तो उस पर टिंचर आयोडीन लगा दें जिससे कि इन्फेक्शन ना हो और टिटनेस जैसा बीमारी से बचाव हो सके। तो इनके पास ना तो टिंचर था अनुजी था सर, लेकिन बचाव दिया, खत्म हो गया, ध्यान नहीं रहा तो खत्म खाइए नहीं है, ध्यान नहीं था जबकि बकरी बच्चा देने वाली है थी और आज बच्चा दी भी, और 80% बाड़े में बकरियां आपकी गर्भी थे जी। हाँ सर, अच्छी 80% मैंने तीन को अभी हाल फिलहाल बच्चा देगी, मैंने आज या दे कल दे परसों दे, उसमें एगो तो दे दी, दो को भी और देगी, और बाकी जितनी बकरियां है सब गर्भ सब क्रॉस कर चुकी है। फिर भी इनके पास टिंचर नहीं है, तो एक टाइम खाना ना खाएं चलेगा दोस्तों, लेकिन अगर सफल होना है तो जो जरूरी चीज़ें हैं वो बाड़े में रखना होगा। तो टिंचर आयोडीन नहीं था, ब्लेड और धागा तक भी नहीं था, वो सब था लेकिन बरसात में उसने जंगा गया, तो सो नहीं दे सकते हैं सर। अरे जंग आ गया तो दुकान आओ है ना जी, नया लगा तो समस्या तो ला देंगे, अभी तुरंत ला देंगे। तो ये सब गलती थी, तो मैं इनको पीन नहीं मार रहा हूँ, मैं एक बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए ताकि आप होने वाले नुकसान से बचें। जैसा कि मैं बोला कि बाहर में बच्चे को इतना प्रक्रिया नहीं किया जाता है फिर भी वो सर्वाइव करता है, लेकिन आपके बाड़े में चूंकि ज़मीन दूषित है तो आपको ये सब करने चाहिए, क्योंकि आप खुद देखते होंगे जो बाहर में बकरियाँ चराई पर रहती हैं उनके सारे बच्चे लगभग बच जाते हैं, लेकिन जो स्टॉल फीड पर फार्मिंग कर रहे हैं उनका यही रोना होता है कि मेरे बच्चे नहीं बच पा रहे हैं, मैं बच्चा नहीं बचा पा रहा, इसका ये बहुत बड़ा कारण होता है थोड़ा सा लापरवाही। ट्रेनिंग के दौरान मैंने आपको तो ये सब सारा चीज़ बताने का पूरा कोशिश किया था जी जी, ट्रेनिंग के दौरान सब चीज़ बताया गया है, तो कुछ छूट गया हो, कुछ ध्यान नहीं रहा, लिस्ट में नहीं लिखाया सर, लिखे नहीं समय में तो नहीं आ पाया, और समस्या आता है तो आज पड़ता है तो फिर ले आते हैं। नहीं समझ में आया इंग्लिश तो तभी तो बढ़ा जाओ, आप बोलते तो उसको हिंदी में भी ट्रांसलेट किया गया, फोटो तक भेजा। ट्रेनिंग के दौरान मैंने लिस्ट बनाया सर, जाना मार्केट सामान लाना है तो लिस्ट बना ली, उसमें कोई सामान छूट गया तो ध्यान नहीं रहा, अब वो समस्या आएगा तो समाधान तो आज पड़ गया कि छूट गया तब ला देंगे। गलती ये सब ना करें तो फार्मिंग में सही, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान तो मैं सारा जितना दवा मैंने पढ़ाया सबका फोटो भी दिखाया था आपको जी सर, मेरे पास आपका जितना भी ट्रेनिंग किए हैं दिए ऑनलाइन किए हैं जितना वीडियो भी है सब मेरे पास है, आप देखते रहते भी देखते रहते हैं, दवाओं का फोटो भी है, लेकिन गलती कर जाते हैं, हो जाता है, तो ये लेकिन होना नहीं चाहिए। समय से वैक्सीन लगाएं, सारा वो ये चीज़ें रखें। तो अभी आपके मैं बाड़े में देख रहा हूँ कि जो आपके मेमने हैं, कम से कम खुशी इस बात का है कि जो भी मेमने आपके हैं सभी तंदुरुस्त हैं और बहुत शानदार हैं। हाँ, जहाँ तक ब्रीडर के मैं बात करूँ, पीछे इनका ब्रीडर है तो ये बारबरी क्रॉस में है, पूरा शरीर इसका बारबरी का है और कान से ये बारबरी नहीं है, यानी कि ये जमुना पारी से मिक्स हुआ होगा, बारबरी और जमुना पारी का मिक्स बच्चा होगा जहाँ से इन्होंने लाया है। अब कहाँ से लाया है मैं नहीं पूछूंगा क्योंकि कोई गलती नहीं है, बस बकरी में सब ठीक है क्योंकि इसके बच्चे बहुत शानदार हैं। ठीक है, कान ऊपर नहीं है लेकिन जो भी है इसके जो भी बच्चे आए हैं देख के मियाज खुश हो गया। तो कान से क्या लेना देना है करना, जो मटन पर्पस अगर आप काम करते हैं तो बच्चे में ग्रोथ होना चाहिए। तो इन्होंने लाया है, इनका अपना आज़ादी है, जैसा भी आप ला सकते हैं, लेकिन एग्रेसिव है, शरीर बिल्कुल लंबा तगड़ा है और बच्चे सभी एक्टिव हैं। तो बच्चे आपका जो स्वस्थ है सभी बच्चे हैं, बच्चे देख के मैं खुश हो गया, इसलिए आपका सारा गलती माफ़ है। और आगे से जो भी आपने गलती किया कि वैक्सीन आपने टाइम से नहीं लगाया या डिलीवरी का संसाधन आपने नहीं रखा, तो ये सब कर लें। आपका बच्चे जो तंदुरुस्त है उसका क्या राज है, मेमना पालन सही तरीके से कैसे करते हैं, और जो नए आपको बकरी पालक मित्र आपके देख रहे हैं तो उनको क्या करना चाहिए बच्चों को इतना अच्छा ग्रोथ के लिए? देखिए, बच्चा ग्रोथ करने के पहले तो बच्चा का जो माँ है उसको खाना पीना कमी नहीं करें, खाना पीना दीजिए, मिनरल जरूर दीजिए, और जब बच्चा माँ स्वस्थ तो बच्चा स्वस्थ, माँ स्वस्थ से बच्चा अच्छा आएगी, और बच्चे जब बच्चा जन्म दे दे, जन्म के 5 दिन बाद 3 दिन बाद संभव हो तो 3 दिन बाद कम से कम 1.5 महीना ए टू जेड प्लस भीमरायल, एक समय एक टाइम ए टू जेड दीजिए, एक टाइम भीमरायल दीजिए, 10-10 बूंद दीजिए, बच्चा आपका तंदुरुस्त रहेगी, कहीं कोई तरह बीमारी नहीं पकड़ेगी। इनका कहने का मतलब है कि अगर माँ स्वस्थ तो बच्चा स्वस्थ, यदि माँ का आप सेवा करते हैं तो माँ का दूध बढ़ेगा, और दूध जब भरपूर बढ़ेगा तो बच्चे का दूध, माँ स्वस्थ दूध कस के आएगा, दूध कस के आएगा बच्चा स्वस्थ आएगा, दूध बढ़ेगा, माँ का दूध तो सर माँ का दूध होता है, बच्चा दूध पिएगा माँ बच्चा तंदुरुस्त रहेगा तो बच्चा स्वस्थ रहे करेगा, बच्चा ग्रोथ आगे करेगा। माँ का दूध भरपूर रूप से होना चाहिए, उसके बाद अगर कुछ कमी रह गया बच्चे के शरीर में, कुछ और चाहिए चीज़ें मिनरल्स वगैरह चाहिए, तो उसके लिए एक टाइम ए टू जेड ड्रॉप जो ह्यूमन कहता है वो 2-4 बूंद 10 बूंद भी दे सकते हैं बच्चे के साइज के ऊपर, और एक टाइम बेमराल जो आता है वेटनरी का दवा टॉनिक हार्मोन से, उसको 2-3 बूंद आप 2-3 बूंद बहुत है, 10 बूंद भी दे सकते हैं क्योंकि साइज अलग अलग होता है नस्लों का। तो इस तरीका से कम उसको 15-20 दिन चला देना चाहिए ना जी। हाँ, चलाते हैं सब चलाते हैं, बाकी सेवा के लिए आइए वही करते हैं। हाँ।
तो कहने के मतलब है कि ये चला रहे हैं इस तरीका से, इनका बच्चे में आप चमक देख सकते हैं, सभी बच्चे स्वस्थ हैं, चमक वाले हैं। और बस यही देख के मैं आज खुश हो गया कि चलिए भाई इन्होंने बच्चा को बचाया है और बच्चे सभी स्वस्थ हैं। हाँ, थोड़ा सा बाद में अगर ये लापरवाही बरतेंगे कि वो चीज़ें नहीं हैं बाड़े में, डिलीवरी के समय जो होने चाहिए उन्होंने पढ़ा है लेकिन नहीं रखा है, तो बाद में जैसे जैसे घना तो बढ़ेगा बाड़ा का में दूषित बाड़ा ज़्यादा होते चला जाएगा जो कि होना ही है, संख्या बढ़ेगा ही, तो बाद में दिक्कत हो सकता है। इन्होंने जो ईटी प्लस टीटी का टीका अभी तक नहीं लगाया है, जबकि 8 महीने इनको हो गए, और वो ईटी प्लस टीटी का टीका जबकि गर्भ सेफ है, किसी भी पोजिशन में लगाया जा सकता था। तो अभी चूंकि इनका बाड़ा बिल्कुल खुला एरिया में है, बकरियों की संख्या अभी कम है और बकरियों को घूमने के लिए जगह मिलता है, दूषित एरिया कम है, तो बकरियां इंट्रोटॉक्सिमिया से बच जा रही है। और चूंकि ये चारा भी एक दिन अल्टरनेट करके देते हैं, इतना समझदारी है, ट्रेनिंग के दौरान इन्होंने सीखा है खाने में क्या क्या मिला के देते हैं, ये सभी जानते हैं, इसके वजह से बचाव अभी हो रहा है। लेकिन घनत्व जैसे ही बढ़ेगा ये खतरे में आ सकते हैं, तो ये गलती तो नहीं होना चाहिए, ये गलती इन्होंने किया है। अच्छा, बकरियों को खिलाने में प्रतिदिन का आपका क्या रूटीन है अनुज जी, ताकि लोग भी समझें? सर, बकरियों के खाने के लिए सर मैं तो बता रहा हूँ कि 90% हरा चारा, 10% सूखा चारा। सवेरे चारा खिलाता हूँ, दोपहर को भूसा, दाल चना का भूसा या मसूर का भूसा, मैंने जो भी दलहनी भूसा, जो दलहन भूसा है वो, थोड़ा सा मिनरल मिक्सचर, थोड़ा सा खाने वाला सोडा, थोड़ा सा नमक, सब पानी में घोल के दोपहर 2 से 3 बजे तक सबको पिला देता हूँ, फिर शाम में 5 बजे खाना देता हूँ कुल के। मैंने ये नमक, खाने का सोडा, मिनरल मिक्सचर पानी में घोल के पिला देते हैं, आप ये सही कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो दाना, जो कोई दाना अगर रखे हैं जैसे मक्के का दर्रा यानी दलिया, गेहूं का दलिया, उसमें भी हल्का पानी का छिड़काव करके इन सभी चीज़ों को मिलाकर दे सकते हैं। क्योंकि बरसात अगर लगातार होने लगेगा तो फिर बकरियां एक दिन दो दिन पानी भी नहीं पीती है, तो फिर कैसे दीजिएगा? तो दाने में मिला के भी दे सकते हैं, और पानी में अगर चाहें तो पानी अगर पीती है तो पानी में मिला के भी जी पानी दे सकते हैं। अब मौसम आ गया ऐसे, ठीक है, मैंने ठंडा का मौसम आ गया, लोग बोलते हैं कि ठंडा में बकरे को पानी नहीं पीना चाहिए, संभव नहीं तो चारा है ना जी, चारा में डाल दीजिए, क्या दिक्कत है, खा लेगी। नहीं, ठंडा में कौन बोलते हैं कि पानी नहीं पिलाना चाहिए? लोग बोलते हैं गांव देहात में कि ठंडा में बकरे को पानी नहीं पीना चाहिए, हम तो पिलाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मौसम से कोई लेना देना नहीं है, पानी हर मौसम में मिलना चाहिए, टाइमिंग का ख्याल रखना चाहिए कि अगर ठंड का दिन है तो सवेरे 9 बजे से पहले पानी हम ना दें और शाम को 5 बजे के बाद पानी ना दें, और बीच में हम पानी दे सकते हैं। हाँ, दाना खिलाने के बाद पानी तुरंत नहीं देना है, ताकि अफरा हो जाए, तो मैंने आपको बताया है। खाना खिलाने के बाद हम 1 घंटा बाद पानी दीजिए, या बकरी को धूप में रखे हुए हैं, धूप से लाएं, छावर में पानी पिलाइएगा, सर्दी खोखी आ ही जाएगी, थोड़ा सा रुक के पानी देना। हाँ, 1 घंटा बाद धूप में बकरी रख लें, ठंडा मौसम हो या गर्मी मौसम हो, लाएं छावर में, 1 घंटा रखिए कम से कम, तो ही आप पानी पिलाइए, तो ठंडा प्लस गर्म मतलब सर्दी या खांसी होना ही तय है। मेरा इनका कहने का मतलब है और मेरा भी कहने का मतलब है कि पानी हर मौसम में देना है, तरीके चेंज हो जाएंगे। ये हो गया खाने का नमक, आप हफ्ता में किस हिसाब से दे रहे हैं? खाने का नमक 5 से 7 ग्राम देते हैं पर बकरी। प्रतिदिन या हफ्ते में? हम तो देते हैं प्रतिदिन। प्रतिदिन ही देना चाहिए खाने का नमक। जो खाने का सोडा आप बोले वो कितना दे रहे हैं, अब हफ्ते में कितना बार दे रहे हैं? हफ्ते में दे रहे थे, सप्ताह में 5 दिन खाने का सोडा जी, खाने का सोडा प्रतिदिन पड़ रहा था, उनका कहना है प्रतिदिन, ये गलत है। खाने का सोडा प्रतिदिन ना दे के हफ्ता में दो दिन ही दे, बहुत है। हफ्ता खाने का सोडा 10 ग्राम प्रति बकरी, हफ्ते में 2 दिन देना है। चलिए ये हो गया। मिनरल मिक्सचर कितना दे रहे हैं? मिनरल मिक्सचर पर बकरी 10 ग्राम। कितना? 10 ग्राम पर बकरी। कितना पूरा? हाँ, पूरा मिला के 50 ग्राम। मैंने कितना दिन, हफ्ते में कितने दिन? डेली देते हैं सर। हाँ, देखिए मिनरल मिक्सचर एक अलग चीज़ है, आप ही आपका पॉकेट पर डिपेंड करेगा, ये मिनरल मिक्सचर है। अगर आपका बजट सही सलामत है तो 10 ग्राम प्रति बकरी प्रतिदिन भी दे सकते हैं। मिनरल मिक्सचर तीता होता है तो आप पानी में घोल के अगर पीती है तो पिलाएं, या फिर सबसे बढ़िया है कि मक्के या गेहूं का जो दलिया है उसमें हल्का पानी छिटके मिनरल मिक्सचर मिला दें और खिला दें, मजे से बकरी खा लेगी, अन्यथा ऐसे ही कुट्टी में मिलाएंगे तो खाएगी नहीं, वो तीता होता है। तो मिनरल मिक्सचर आप प्रतिदिन भी दे सकते हैं, 300 को 300 दिन महीने में, या ये महंगा चीज़ है अगर आपका पास बजट है, पॉकेट अलाउ करता है तो, और नहीं तो कम से कम हफ्ते में 2 दिन मिनरल मिक्सचर जरूर दें अगर आपका पॉकेट अलाउ ना करता है तो भी। और जब हरे चारे पर्याप्त रूप से आपके खेत में मिलने लगे, नेपियर है, दशरथ घास है, ज्वार है, मैंने हरा चारा भर पेट अगर बकरी खा रही है, तो आप महीने में अगर मिनरल मिक्सचर ना भी देंगे तो आपका काम चल जाएगा, और देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन कहीं से अगर खिलाने पिलाने में कमी हो रहा है तो मिनरल मिक्सचर प्रतिदिन या हफ्ते में 2 दिन जरूर रखें। तो मिनरल मिक्सचर आप प्रतिदिन दे रहे हैं, अच्छी बात है। हाँ, मिनरल मिक्सचर प्रतिदिन, मिनरल मिक्सचर, चना और नमक सब दे रहे हैं प्रतिदिन। चलिए ठीक है, इनका थोड़ा ही दे रहे हैं लेकिन डेली दे रहे हैं। अच्छा, कम मात्रा में दे रहे हैं, प्रतिदिन दे रहे हैं जी। हाँ, ठीक है।
तो सोडा दो दिन दीजिए, नमक प्रतिदिन दीजिए, मिनरल मिक्सर आपका पॉकेट के अनुसार। जी हाँ, वो तो आपकी सर आपकी जो है क्षमता है तो दीजिए, नहीं क्षमता है तो दीजिए, कम ही दीजिए, सप्ताह में दो दिन दीजिए, लेकिन दीजिए। दोस्तों अनुज जी, अब जी कुछ और समस्या? जी और कुछ समस्या तो नहीं है सर, थोड़ा सा ये होता है लेटरिन बाथरूम हो जाता है। अरे तो उसके लिए आपने ईटी का टीका नहीं लगाया, पीरो कहते हैं, ईटी का टीका, ईटी प्लस टीटी का टीका लगा दें, ये बार बार लाइटिंग होने वाला समस्या, लगभग लीवर मजबूत हो जाएगा, सही हो जाएगा। महीने में लीवर टॉनिक चलाते हैं या नहीं? जी हाँ, ब्रोटोन रखे हुए हैं, कभी कभी ऐसे भी सप्ताह में एक दो दिन दे देते हैं। तो कहीं से कमी नहीं कर रहे हैं, महीने में 10 दिन ब्रोटोन भी चला सकते हैं, जो हफ्ते में 2-3 दिन दे रहे हैं भी ठीक है। और बकरियाँ दस्त वाली बातें बोले ठीक है, लेकिन कहीं से कोई बकरी बीमार नहीं है? क्या दस्त करती है, खाना पीना छोड़ती है, सब हुआ? नहीं सर, दस्त कर दी, लेकिन खाए मस्त, जितना दस्त करो खाए खाते खूब मस्त खाते। बीमारी नहीं है, ये लीवर कमजोर होना कुछ एक हद तक हो सकता है, या कमी कम संख्या में चुकी बकरियां हैं तो ओवर डाइट भी हो सकता है। तो अगर आप ईटी प्लस टीटी बार बार बोल रहा हूँ, इस टीका को आप लगा के रखते हैं तो लीवर इतना मजबूत हो जाता है कि थोड़ा ज़्यादा भी खा लेगी तो हजम कर लेगी और जल्दी दस्त उसको नहीं लगेगा। तो इन सभी बातों को ध्यान रखना है। अगर मेरा इस तरीका का बारे में जाके वीडियो बनाना अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें और एक कॉमेंट ज़रूर करें कि इस टाइप का वीडियो मुझे बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। तो मैं अनुज जी के पास आ गया तो ये वीडियो मैं बना दिया हूँ। चूँकि अब RCT क्लास में व्यस्त रहता हूँ, प्राइवेट बैच भी लेना पड़ता है, तो आप देखिए कि आज मैं आया हूँ, कल से फिर से ड्यूटी RCT का है, तो थोड़ा व्यस्तता है, लेकिन जितना भी टाइम मिलता है उसको निकाल के मैं रिप्लाई देने का कोशिश पूरा करता हूँ, और जब भी टाइम मिलता है कहीं जाने का कोशिश ज़रूर करता हूँ। व्यस्त आदमी थोड़ा कम टाइम दे सकता है, मैं मानता हूँ, लेकिन जो भी टाइम देगा सॉलिड देगा। पढ़ाते समय मैंने कोई कंजूसी किया आपके साथ? जी नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। हम दिल से बातों को समझ लें, जो कि आप बहुत कुछ नहीं कर रहे हैं समझने के बावजूद भी। अगर आपको लगता है कि अगर सभी चीज़ों को मान लें, नोट्स को बार बार पढ़ के समझ लें, तो क्या इतना दिन में आपको लगता है कि आपको यहीं से कोई दिक्कत आ सकता है? दिक्कत तो नहीं आएगा सर, जबकि हमने ऑनलाइन ट्रेनिंग किया, फिर उसको दिक्कत ना है। कहीं से ऑनलाइन में आपको लगा कि ऑफलाइन से खराब है? सर खराब नहीं है सर, समझ दिमाग का खराब, समस्या समझने का खराब ही है। ऑनलाइन क्लास करिए या ऑफलाइन, ठीक है, कोई दिक्कत ना है। ऑनलाइन में कभी ऐसा लगा कि आप मेरे मैं आपके सामने नहीं हूँ या फिर आप समझ नहीं रहे? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ऑनलाइन क्लास चल रहा देखते हैं, टाइम है, देखिए अंतर ही होता है लोगों को कि ऑनलाइन कर रहे हैं, चलो छोड़ना बिहान कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, हम डेली करते हैं टाइम टू टाइम। जैसे ऑनलाइन से भी खुश हैं, तो मेरा कहने का मतलब है कि गलतियों को ना दोहराएं, सभी चीज़ों को आप फॉलो करें, सफल बकरी पालक बनेंगे। और इस तरीका का वीडियो बनाना मेरा पसंद पड़ा तो कमेंट ज़रूर करें। और इसी के साथ ये वीडियो यहाँ मैं रुकता हूँ, और अगर कहीं बाड़े में फिर मैं अगर जाता हूँ तो उसका वीडियो इसी टाइप का आएगा, यदि आप कमेंट में ये कहें कि आपको अच्छा लगा तो ठीक है। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम।